एवरीवन, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हो सब अच्छे होंगे, खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ आप सब लोगों की दुआओं से। तो गुड मॉर्निंग आप सबको। सुबह के बजे 6:10 हो रहे हैं शायद से, क्योंकि मैंने अभी बनाई बघारी खिचड़ी बच्चों के लिए। जो है टिफिन में खिचड़ी दे रही हूँ, खिचड़ी अभी बघारी, क्योंकि व्हाइट वाली खिचड़ी बना रही हूँ, उसके साथ चटनी नहीं दे रही हूँ। तो शायद से खा ही जाएंगे, इसके लिए मैंने सुबह ताज़ी ताज़ी बनाई, वरना कभी कभी मैं रात में बना के रख देती हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ रहेंगी तो अलग से। और यहाँ पर दूध गर्म कर लिया मैंने बच्चे लोग के लिए, दूध चौकस खाएंगे बच्चे, उसके बाद फिर मैं इन लोग को रेडी करूँगी। दूध मधु चौकस ऊपर बैठ के खाती नहीं तो प्लेट में रख के दूँ, ठंड लग रही है। सुबह सुबह उन लोग को कर देती हूँ, ऊपर बैठ के खाने में पर। तो वहाँ पर जो है डेली सब भाभी वगैरह रहती थी किचन में, यहाँ पर मैं और बच्चे हैं। क्या चाहिए मत? चाय चाहिए था, बना के बोले लाए ना पपन रात में ला के मत। हाँ माँ ऊपर बैठ के जा, बैठ जा पहले ऊपर, तक क्या हटा दे, तक क्या उधर पीछे हटा दे। बिलों के बाल बनाऊंगी मैं, सुबह सुबह उठे नहीं। चलो लोगों को करने देते हैं नाश्ता, और क्या बोलते हैं उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। खिचड़ी का जो है दम पे आ गई खिचड़ी, उसको रख लेती हूँ दम के ऊपर। यहाँ का जो बल्ब है जिससे मुझे हमेशा शिकायत रहती थी, वो ख़राब हो गया तो इसकी वजह से किचन पे बहुत ज़्यादा उजाला नहीं आ रहा है, लेकिन जल्दी मैं दूसरा कुछ अरेंजमेंट कर दूँगी। इसकी वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं अक्सर ज़्यादा किचन में ही रहती हूँ, किचन का ही बल्ब ख़राब है तो फिर कैसे चलेगा, है ना। चलो फटाफट नाश्ता करने देते लोग। चलो हमारी क्या बोलते हैं आलिया रेडी हो गई, सनों को बाकी अभी रेडी करना बैठी है। मेरी खिचड़ी की जो है बच्चे लोग की दम हुआ देखती हूँ, हो गया दम, माशाल्लाह अच्छी बनी। तो माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप लोग, अच्छी नरम नरम खिचड़ी बनी है। ऐसे ही चाहिए था मुझे बच्चे लोग को देने के लिए टिफिन में। अलीना कल से रो रही थी ऐसी वाली खिचड़ी बनाने के लिए, उसको ऐसी वाली ही खिचड़ी खाना था। सना सना हम रेडी हो गए, और क्या बोलते हैं स्कूल भी अभी निकलेंगे 2-3 मिनट में। तो यहाँ पर जो है मैंने अपने अंडे बॉईल कर रखे हैं, ले लिए जा रही हूँ। बहुत दिन से तुम्हारे हाथ को मैं देखी नहीं, तो ऐसा आगे करना तुम्हारे हाथ का वो मेजरमेंट लेंगे स्केल से, टीचर ने तुम्हारा स्कूल में क्या मेजरमेंट लेंगे कि कितना इंच तुम्हारा हाथ है, ऐसा आया समझ में? हाँ तो टीचर बात दे देना। अब होमवर्क नहीं करेंगे तो टीचर तो बोलेंगे हाथ बताओ। मम्मी टीचर ने मारी, मम्मी टीचर ने मारी। क्यों मारी? होमवर्क नहीं करी तो मारना जरूरी है, होमवर्क नहीं करे तो। सलीना रेडी है तुम मार खाने? रेडी है? मन नहीं करता। क्या पढ़ने का मन नहीं करता? तो क्या करने का मन करता है? हाँ चलो अभी दीदी लोग आएंगे स्कूल से, तुम जाओ अभी। बोलो क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या हुआ? क्या ढूंढो? गाड़ी की चाबी। चलो अन्ना पापा, चलो 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 आप। क्या बोल टाइम है? 12 बजे। ऊपर देखो, ऊपर दिखाओ। 12 बज रहे हैं अभी, 12:30 बजे जाने का। अरे पापा इसमें लिखो ना, मगर राइटिंग तुम्हारी अच्छी होगी इसमें, लिखो ना। मगर पेन नहीं चल रही। पेंसिल से लिखो।
पेंसिल से लिखो, वापस मिटाओ, पेंसिल से लिखो, मिटाओ, पेंसिल से लिखो, मिटाओ। बस बस पापा, मेरे को येलो वाली बुक में लिखना है। डाल ना, तुम्हारे झुट्टू बहुत अच्छे लग रहे। कौन डाला है? और मैंने ही तुमको बोल दिया ऐसे डालने। कौन बनाया? तुमने। मैंने बनाई? हाँ, मैंने ही तुमको बोल दिया ऐसे बनाने। अच्छा, देखो सामने से खड़े हो जाओ। येलो वाली बुक। कौन सी येलो? ऐसे सब ग्रीन ही है, येलो एक भी नहीं है। बहुत जल्दी जा रहे, बहुत जल्दी जा रहे पापा। अरे कहाँ से चलूँ? चप्पल चप्पल नहीं। जब मैं तुमको बोल रही थी तो सुन रहे थे बात करने में, बात करने में। जब अब तुम बुला रहे तो फिर मैं नहीं आऊंगी। सुनो ना, तुम मत जाओ, फिर स्कूल में छुट्टी हो जाएंगे, स्कूल की तुम ही जाएंगे। चलो अपन निकल दे, चलो चलो टाटा बाय बाय। बाय ना पापा। अच्छे ना पापा, पाउडर लगाओ, इधर पाउडर लगा। पापा ये तो चले गए, क्या बोलते हैं। अरे ना को स्कूल छोड़ने आते आते आलिया सना को भी लेके आएंगे, और मैं जा रही हूँ अभी बाहर घर के, क्योंकि ये मेरे जो घर में चावल में रखे गई थी ना, चावल में हो गए बहुत ज़्यादा कीड़े, तो वो चावलों को मुझे साफ़ करना पड़ेगा तब, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है। चावल है बहुत ज़्यादा, मतलब आराम से 10 किलो चावल होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा कीड़े हो गए थे, क्योंकि नहीं खोलने की वजह से, काफ़ी दिनों से बंद रहने की वजह से, कैसे हुए पता नहीं, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उसी को मैं अभी पूरा छानूंगी, साफ़ करूँगी, बहुत ज़्यादा कीड़े हो गए इसके अंदर। दिख रहे हैं आप लोगों को, जैसे गेहूँ में होते ना कीड़े, वैसे वाले कीड़े हो गए। ऐसे सारे चावल है ये टाइप में, इसको मैं अभी छानूंगी, साफ़ करूँगी। उनको लगाती हूँ अंदर चार्जिंग पे घर के अंदर, और घर के बाहर जो है मैं साफ करते बैठूंगी अभी, तब तक फोन भी चार्जिंग हो जाएगा मेरा, तब तक आलिया सना भी आ जाते हैं। सलाम वालेकुम, तो देखते हम अभी टेरेस पे जा रहे हैं। पहुंच चुके हैं हम, पहुंच चुके हैं, चलो हमारा व्लॉग। गाइस हम आ चुके हैं टेरेस पे, चलो चलते हैं और देखते हैं कैसा टेरेस पर दूसरी साइड। स्कूल के कपड़े तो चलो हम लोग अभी चलते हैं। देखो बाहर का नज़ारा देखो, तो चलो दिखाते सना क्या कर रही है। सना ऊपर किसी का कैरम है, हम इसे पाउडर से भर देते। अरे पाउडर डाली मैंने, पाउडर डाली। अरे कितना सारा, अरे मत ना गंदी। देखो छापा गंदी कर दे, छापा। ये देखो मैंने आप लोग के ये गोटियाँ चुरा ली हूँ, ये इतनी सारी, और साथ में ये स्ट्राइकर भी। यहाँ डीजे म्यूजिक लगाने का है। दे डाले हमारे स्कूल के कपड़े। इधर एक छोटा सा पौधा आ रहा है, यहाँ हमारा कटोरा है, यहाँ भी पौधा, वहाँ दूसरे लोग हैं। कितना अच्छी बिल्डिंग नज़ारा दिख रहा है, धूप है तो चलो मैं बाहर चलती हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी बाहर। ये ठंडा पूल नजारा, आह सब क्या करें। चलो अच्छा पौधा, ये किसका पौधा है कमेंट करके बताना, कौन सा झाड़ है ये। देखो गौर से देखो, क्या कर रही, सबसे खेल रही है। आगे हम गिरा देते। भागो, चलो मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद, बाय बाय। गाइस अस्सलाम वालेकुम, तो हो गए शाम के बज गए 6:10 हो रहे हैं, और ये देखो मैंने फिर स्कूल से आते ज़माना हो गया, और मैंने चावल भी चुन ली पूरे, उसके बाद मैंने कपड़े भी धोए बहुत सारे। मैं इसमें तो जाके आई, अलिया ने थोड़ा सा व्लॉग शूट करी। हमको स्कूल
चलो इन लोग की बन रही अंदर मैगी, चलो देखते हैं किचन में मैगी। चल मैं तुम्हें मैगी देती, तू लेके आ। चल अलीना कहाँ गई? अलीना किधर है? मुझे क्या पता, चल बुला के लेके आ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, बन रही है मैगी, बन गई ऑलमोस्ट। इन लोगों को थोड़ा सा सूप लगता है मैगी में, तो मैं सूप रखती हूँ। यहाँ पर मैंने चाय बनाई हूँ, तो आज मैं चाय पीऊँगी थोड़ी सी। मेरा मन कर रहा था सुबह में भी, बहुत मन कर रहा था चाय पीने का, चाय की स्मेल ले रही थी सुबह में, बहुत मन कर रहा था बट मैंने नहीं पी। लेकिन अभी मैं पीऊँगी थोड़ी सी चाय। तो चलो फटाफट मैं चाय पहले निकाल लेती हूँ, बच्चों की मैगी निकालती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। गाइस मेरी चाय आ चुकी है बन के, और मैंने थोड़ा सा घी डाली, तो चिटचैट थोड़ा सा बनता है। मैं अपनी डाइटिंग के बीच में ये भी करती हूँ, कभी कभी मेरा मन होता है चाय पीने का, तो अब मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि मैं सोची कि कभी कभी पी लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए एकदम से। तो मैं बताती हूँ, ये मेरी चाय और यहाँ शायद आवाज़ नहीं आ रही, मैं पंखा बंद कर लेती हूँ। और बस यही बोलूँगी आज का जो ब्लॉग है इसमें एंड करते हैं, क्योंकि अभी शाम हो जाएगी यहाँ पर किचन में। अगर मैं कुछ बनाऊँगी भी तो दिखेगा नहीं, क्योंकि हमारे जो मेरा बल्ब था, जिससे मुझे हमेशा शिकायत रहती थी कि मेरे सर में दर्द रहता है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाती है, बट वो ख़राब है। उसका ध्यान तो चुका है, मर चुका है वो। तो बस अभी जब तक वहाँ पे ट्यूबलाइट नहीं लगती, तब तक मैं कोई रेसिपी या कोई वीडियो किचन पे ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगी। दिन में हाँ हो सकता है, बट रात के टाइम पे नहीं, क्योंकि अभी हो गई शाम, तो अंधेरा हो जाएगा धीरे धीरे। तो बस आज के ब्लॉग पे यहीं पे एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगा ब्लॉग तो मैं बोलूँ दुआ में तो ऐसे भी याद रखना। अच्छा लगा ब्लॉग तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, इसी तरह अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे वापस।